Dear student, today we are going to start new chapter, chapter number 7, urban administration. यानी आज हम शहरी प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि शहर में प्रशासनिक सेवाएं कैसी चलती हैं और किस तरह से इसको लागू किया जाता है डिफरेंट सिटीज में. सबसे पहले हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने के लिए एक छोटा सा एक स्टोरी पढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जो आपके बुक में बताया गया है कि एक वन लेजी संडे आफ्टरनून माला एंड हर फ्रेंड शंकर जहांगीर एंड रिहाना वी आर प्लेइंग ए गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट. यानी कि संडे को अक्सर बच्चे छुट्टी होती है, एंजॉय करते हैं, तो माला और उसके कुछ दोस्त जिसमें कुछ नाम बताए शंकर जहांगीर रिहाना ये सब जो है गली में जो है क्रिकेट खेल रहे थे. तो उसी में क्या हुआ कि शंकर ने बॉलिंग किया और बॉलिंग करने पर जो है अच्छी बॉलिंग की जिससे कि रिहाना आउट हो गई और सी वाज स्टिल बैटिंग. आउट होने के बाद भी वो हटने नहीं थी, बैटिंग की जा रही थी. फ्रस्ट्रेटेड सी बॉल्ड ए शॉर्ट बॉल एंड होप सी वुड हिट इट फॉर एन इजी कैच सो दैट बॉल सिक्सर मार देंगे, लेकिन एक कैच पकड़ा गई. इंस्टेंट रिहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई द स्ट्रीट लाइट ब्रॉक. लेकिन वो कैच ना पकड़ के वो इतनी तेज उसने मारा कि वो जाकर स्ट्रीट लाइट यानी गली में जो स्ट्रीट लाइट है ऊपर पोल उसमें जो बल्ब लगा हुआ है वो फूट गया. ठीक है, रोड का. ओह नो लुक व्हाट हैव डन डन गई ये क्या कर दिया शंकर ने कहा ये तुमने क्या कर दिया तुमने लाइट फूट गया. और एक नियम उन्होंने बना रखा है, जैसे हम लोग भी बनाते हैं, छोटे बच्चे हैं वो भी बनाते हैं कि भाई इतने के बाउंड्री के बाहर जाएगा तो आउट मानी जाओगे, यहाँ पर टच हो गया तो ये आउट माना जाएगा. इसी तरह से बच्चों ने रिहाना और उसके साथ शंकर और माला ये सब ने प्लान किया था कि स्ट्रीट लाइट में अगर बॉल टच हो जाती है या दीवार पर लग जाती है तो वो आउट माना जाएगा. तो ये रिहाना ऑटोमेटिक आउट हो गई, पर उससे आउट तो हो गई पर सबसे बड़ा टेंशन था कि उसने स्ट्रीट लाइट फोड़ दिया. ठीक है, बट माला जहांगीर एंड रिहाना वी आर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड वो बहुत चिंतित थे ये क्या हो गया अब कैसे जो है इसको ठीक किया जाए. लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसी विंडो पिछले हफ्ते उन्होंने निर्मला मौसी की जो है खिड़की तोड़ दी थी क्रिकेट खेलते खेलते इन बच्चों ने. ठीक है, अब उसको रिप्लेस करने के लिए जिसने तोड़ा था उसने अपने जेब खर्चे से उसको पैसा देकर उसको रिपेयर कराया. अब इस हफ्ते स्ट्रीट लाइट तोड़ दी गई. अब इसके लिए जो है रिहाना हाउस वाज द क्लोज एंड दे रैन एंड टोल्ड हर मदर व्हाट हैड हैपेंड. रिहाना का घर नजदीक था, घर गई वहां भी बच गए. रिहाना की मदर ने कहा क्या हुआ आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स ए ग्रेट ठीक है डिटेल बट आई डू नो that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing light. बोले रिहाना की जो मदर ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, नगर निगम वाले आएंगे लाइट बदल देंगे. ठीक है, नगर निगम यानी कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हर एक सिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है. बच्चे एक्साइटेड होकर सुनने लगे ये होता क्या, हम तो कुछ नहीं मानते इसके बारे में. तो रिहाना की मदर ने कहा कि हर एक शहर में नगर निगम नगर पालिकाएं होती हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन म्यूनिसिपल सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, कॉर्पोरेशन होते हैं और ये अपने शहर के जो है मेंटेनेंस को देखते हैं, रूरल डेकोरेशन को देखते हैं. ठीक है, जल्द ही आपका ये लाइट ठीक कर दिया जाएगा. ठीक है, तो बच्चे और ज्यादा पूछने लगे उनसे खाला के हाउस था, चिल्ड्रन रेंट भी खाला हाउस. खाला जो है लैंग्वेज में मौसी या जो भी है उसको कहा जाता है, रिलेटिव होती है. तो यास्मिन खाला लाफ्ड एंड सेड देयर इज नो वन पर्सन दैट यू कैन पे मनी टू, देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. एक अकेला व्यक्ति जो है इतने सारे काम शहर का नहीं कर सकता, इसके लिए एक संस्था बनाई गई जिसे कहते हैं नगर निगम. ठीक है, उसका काम क्या है, शहर में जितने भी लाइट्स हैं रोड लाइट्स हैं उसको रिपेयर करना, उसको रिप्लेस करना, सही करना. ठीक है, कूड़ा करकट यानी गार्बेज कलेक्शन करना, वाटर सप्लाई. ठीक है, कीपिंग द स्ट्रीट शहर की जो है साफ सफाई करना, रोड में झाड़ू लगाना. ठीक है, एंड मार्केट क्लीन और जो बाजार जहाँ पे मार्केट होता है वहाँ पे मेंटेनेंस और जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सब नगर निगम का काम है. इसके अलावा माला ने कहा कि हाँ मलेरिया जैसे संक्रामक बीमारियाँ कुछ और बीमारियाँ हो जाती है तो समय समय पर जो है दवाइयों का छिड़काव करना, ये सब भी नगर निगम करते हैं. इसके अलावा नगर निगम
अंदर में जो है कुछ अन्य संस्थाएं भी होती हैं, उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित, बीमारियों से संबंधित, स्कूल, शिक्षा, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, दवाइयां इत्यादि, ठीक है। और बड़े बड़े शहर में ऐसे होते हैं, वन सिटी पुणे इज द बिग सिटी, उसी में से एक सिटी है पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र में पुणे, यहाँ पे नगर निगम है और यहाँ पे छोटे छोटे शहर भी हैं जिसे म्युनिसिपल काउंसिल वहां पे होते हैं। तो म्युनिसिपल काउंसिल छोटे शहर के लिए होते हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, बड़े शहर के लिए होते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है वहां की पॉपुलेशन पे। अब यहाँ पे आता है द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो यास्मीन खाला आई एम क्यूरियस, जिज्ञासा बहुत एक्साइटमेंट था क्या होगा ये, हु डिसाइड वेयर ए पार्क शुड गो, ठीक है, हमें कहाँ पार्क बनाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ठीक है, तमाम चीजों के बारे में। तो नो रिहाना, आई वाज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस इन ऑफ द कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो उसने बोला रिहाना से कि नहीं, मैं तो नगर निगम में एक अकाउंट ऑफिस में काम करते हूँ, ठीक है, एंड सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप, मुझे तनख्वाह मिलती है, मुझे पे स्लिप मिलती है। सिटीज आर यूजली क्वाइट ए लार्ज, सो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज मेक ए लॉट ऑफ डिसीजन एज वेल एज ए लॉट ऑफ वर्कर टू द कीप द सिटी क्लीन। नगर निगम एक बहुत बड़ी संस्था है जिसमें बहुत सारे कर्मचारी होते हैं जो शहर को जो है साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। इसमें जो है कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल आ जाएगा, स्कूल्स आ जाएंगे, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटी आ जाएगी। और नगर निगम जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है, ध्यान दीजिएगा, एक शहर जो होता है, एक शहर को जो है, एक सिटी को जो है, कई जो है वार्ड्स में डिवाइड किए जाते हैं। ये सब क्या है, ये सब वार्ड्स हैं, ठीक है, ये सब आपके वार्ड्स हैं। तो एक सिटी को जो है, एक शहर को जो है, एक शहर को कई सारे वार्ड्स में डिवाइड किए जाते हैं और उस वार्ड्स में एक काउंसलर होता है। हर एक वार्ड्स में कौन होता है, काउंसलर होते हैं जो अपने वार्ड से संबंधित जो भी समस्या होती है अपने वार्ड की समस्याओं को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि शहर में जो है बस स्टैंड की प्रॉब्लम है, शहर में जो है कूड़ा करकट समय समय नहीं रखा जा रहा है, तो अगर नंदा नगर या कूड़ा घाट या आपका लोकल जो एरिया है वहां पे कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वहां का जो वार्ड काउंसलर है वो अपने वार्ड की समस्याओं को नगर निगम के कमिश्नर तक ले जाएगा और फिर उसको सॉल्व कराएगा, ठीक है। जो मेयर होंगे उसको जो है अपनी बातें रखेगा और उस काउंसलर के अंदर में कुछ फंड भी होते हैं जो अपने फंड के द्वारा जो अपने पैसे हैं उसको यहाँ पे मेंटेनेंस करता है, यहाँ पे जो है मैनेजमेंट करता है अपने वार्ड का, वो अपने वार्ड के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। हर एक वार्ड का जो काउंसलर है वो अपने वार्ड के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा और सभी वार्ड्स के जो है मेंबर हैं मिलकर एक ग्रुप मीटिंग करते हैं और शहर की समस्याओं को सुलझाते हैं। जैसे बस स्टैंड की प्रॉब्लम हो गई, गार्बेज की प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो ऐसे में जो है वो अपना सॉल्यूशन निकालते हैं मीटिंग करके। काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। मान लीजिए स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, स्ट्रीट लाइट तोड़ दी बच्चों में, तो काउंसलर को बुलाया जाएगा, बताया जाएगा कि हमारे यहाँ इस स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, टूट गई है, जो भी है। तो ये काउंसलर जो है सीधा बिजली बोर्ड से जुड़ा होता है, लोकल जो एरिया होगा बिजली कार्यालय वहाँ, और वहाँ पे फोन करेगा या वहाँ जाएगा, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या को उनको बताएगा कि यहाँ पे इस हमारे एरिया में ये प्रॉब्लम है, और तब जाके बिजली विभाग वाले वहाँ पे स्ट्रीट लाइट को बदल देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये एक स्टेप जुड़ा हुआ, एक प्रोसेस होता है। While the councilor committee and the councilor decide on issue, the commissioner and the administrative staff implement this, यानी कि जो भी इसके प्रशासनिक जो स्टाफ होते हैं वो इसको लागू करते हैं, ठीक है। Commissioner and administrative staff are appointed, यानी कि इनको जो appoint किया जाता है, but councilor are elected, पर councilor को appoint नहीं किया जाता, उसको तो जनता चुनती है, elect किया जाता है, अपने अपने wards का चुनाव होते हैं councilor का, ठीक है। और हर एक काउंसलर जो होता है अपने वार्ड में जो है उसको एक बजट मिलता है, एक जो फंड मिलता है, मनी होता है, ठीक है, जिसको वो खर्च करता है अपने वार्ड में मेंटेनेंस के लिए और सैनिटेशन फैसिलिटी के लिए। तो ये था जो है एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड। अब यहाँ पे है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव लॉट ऑफ वर्कर, इसमें बहुत सारे वर्कर होते हैं। सरकार ने कहा, एक बच्चा था उसने, उन्हीं का दोस्त, क्या इसमें बहुत सारे वर्कर होते हैं, हाँ होते हैं, इसमें बहुत सारे वर्कर होते हैं। हर एक का डिपार्टमेंट बना हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ गार्बेज, कलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कलेक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ गार्डन, डिपार्टमेंट ऑफ रोडवेज, यानी कि हर एक का जो है अलग अलग जो है डिपार्टमेंट बना हुआ है और वो अपने अपने डिपार्टमेंट में जो है अपने विभाग में जो है काम करते हैं। अब
यहाँ पे जो है चीज बताई है, फाइंड द गार्बेज लेक ऑल ओवर द स्ट्रीट, ऑल द नेबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लेक ऑल ओवर एंड इफ दिस रिमेन अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट डॉग रैट एंड फ्लाइज ऑल्सो पीपल गेट इट फ्रॉम द स्मेल। यानी कि कूड़ा करकट है, वहाँ पे डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, जुए हैं, कीड़े हैं और इससे बीमारियां फैलती हैं, तो ऐसे में नगर निगम वालों की जिम्मेदारी होती है कि उस कूड़ा करकट वहाँ से हटाया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट, एक समुदाय का आंदोलन। प्रोटेस्ट में होता है विरोध, ठीक है, अपनी बातों को जो है सरकार तक पहुँचाना आंदोलन करके, धरना करके। तो एक उसी में से एक स्टोरी है, यास्मीन खाला कंटिन्यू अपनी बात करती है, यास्मीन की जो खाला होती है, द वुमन वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन इवन कैम टू मी फॉर एडवाइस। उसी में से एक है गंगाबाई, गंगाबाई जो है एक महिला आंदोलन की नेतृत्व करती है और उन्होंने जो है वार्ड ऑफ काउंसिल हु शुड गो एंड प्रोटेस्ट स्ट्राइक वंस हु इलेक्टेड हिम सी गैदर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन। गंगाबाई जो है अपनी वार्ड की जो है काउंसलर है और उन्होंने जो अपने वार्ड की समस्याओं को जो है रखा, ठीक है, और साथ में जो है उनके अन्य महिलाएं इस आंदोलन में साथ दी कि भाई हमारे यहाँ का जो है स्लोगन निकाला गया कि सफाई नहीं हो रही है, नगर निगम वाले आ नहीं रहे, जल्दी हमारे एरिया की समस्याओं को सुलझाया जाए। ठीक है, गंगाबाई जो है अपने लोकल एरिया में जो है पूरा जो कचरा है, जो बीमारियां फैल रही है, उस व्यवस्था से तंग आ गई है क्योंकि नगर निगम वाले लापरवाही कर रहे हैं, वहाँ पे व्यवस्था सही से सर्विस नहीं दे रहे हैं। तो अपनी समस्या को उन्होंने जो है कमिश्नर तक पहुँचाया और इसका रिजल्ट ये रहा कि जो सैनिटेशन इंजीनियर है और जो कमिश्नर है उन्होंने अपॉइंट किया और उनकी बातों को सुना गया। ठीक है, अक्सर कंप्लेन किया जाता था गंगाबाई और महिलाओं के द्वारा कि जो नगर निगम वाले हैं वह अमीर लोगों के घर के आसपास ही कूड़ा करकट जो है सफाई वगैरह साफ रखते हैं और एवरेज नॉर्मल गरीब लोगों के एरिया को छोड़ देते हैं, वहाँ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं है, ये पार्शियलिटी की जारी है और इसी चीज़ को जो है आंदोलन रूप में गंगाबाई ने उठाया था। लास्ट में उनकी बातों को माना गया और इन समस्याओं को दूर करने के लिए नगर निगम ने ठोस कदम। तो ये थी नगर निगम की व्यवस्था कि कैसे वो काम करते हैं। अब द चिल्ड्रन थैंक खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। खाला को थैंक किया कि आपने जो है जो रिमा की खाला, किसका नाम था उसका, रिहाना, रिहाना की खाला को थैंक किया कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें, नगर निगम के बारे में नहीं पता था, हमें पता नहीं था कि इनके क्या कार्य होते हैं, ये स्ट्रीट लाइट टूट गई थी हमसे, कैसे इसको रिप्लेस किया जाए, कैसे इसको बदला जाए, हम अपनी बात को कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तक पहुंचा सकते हैं, ये सब जानकारियाँ जो हमें नहीं थी, आपने मुझे